नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गजेश के एक और फेसबुक एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप एक हेडफोन या एक ईयरफोन लेने का सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं, ये है ब्लू पंक का एक हेडफोन ईयरफोन एक्चुअली। तो ये है EM01 वायर्ड हेडफोन और हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। हम चेक करेंगे क्या है इसके बॉक्स कॉन्टेंट, कैसी है इसकी क्वालिटी और क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो ब्रांड है ब्लू पंक, इसका नाम शायद आपने ज्यादा ना भी सुना हो, लेकिन ये ब्रांड बहुत पुरानी है। आप बात करें कार स्टीरियोस की, आप बात करें कार के एम्पलीफायर्स की, म्यूजिक एम्पलीफायर्स की, या तो इवन बेस ट्यूब्स वगैरह की, या और कार के म्यूजिकल इक्विपमेंट्स की, तो वहां पे बहुत पॉपुलर ब्रांड है और काफी टाइम से है मार्केट में। लेकिन हाँ, ये जो हेडफोन सेगमेंट है या फिर ये जो कैटेगरी है हेडफोन्स की और म्यूजिक की, यहाँ पे अभी रिसेंटली एंटर किया है ब्रांड ने। तो अभी आपको इससे इसके कुछ ब्रांड के कुछ हेडफोन्स वगैरह कुछ मार्केट में काफी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे काफी सारे हैं। तो उन्हीं में से आज जो हेडफोन मेरे पास में है, ये है ब्लू पंक का EM01 वायर्ड ईयरफोन और ये एक बजट ईयरफोन है। इस अगर मैं बात करूं बॉक्स की, तो यहाँ फ्रंट में है इसकी ब्रांडिंग ब्लू पंक की, यहाँ इसका मॉडल नंबर लिखा है EM01 वायर्ड ईयरफोन। ये बिल्ट इन माइक्रोफोन है इसके अंदर और ये ब्रांड जो है एस्टेब्लिश इन जर्मनी, यानी जर्मनी के ब्रांड है एंड 1923 से है, काफ़ी पुरानी ब्रांड है और आप भरोसा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है हेडफोन की ये एक एक्चुअल इमेज, यहाँ पे ये इन ईयर डिज़ाइन है, यानी आपको ईयर कैनाल में पूरा वो अंदर ईयर प्लग्स हैं जो आराम से आपके कानों के अंदर फिट हो जाएंगे। उसके अलावा ये कंफर्टेबल फिट है, इसमें जो लिखा है कि ये पावरफुल बेस डिलीवर करता है। उसके अलावा इसमें पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस हेडफोन में। दो इस ये जो पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, इसको हम वॉइस आइसोलेशन भी बोलते हैं और ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की तरह उतना ज्यादा इंपैक्टफुल या पावरफुल नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं ये आपके जो अनवांटेड नॉइस जो है, बाहर की जो अनवांटेड नॉइस है, उसको कैंसिल जरूर हो सकता है या फिर उसको एटलीस्ट कुछ हद तक रोक सकता है, आइसोलेट कर सकता है। तो वो इस हेडफोन में है जो काफी अच्छी बात है। मैं बात करूंगा राइट साइड की, तो यहाँ पे सेम मॉडल नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रीमियम साउंड क्वालिटी और ये लिखा है मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यानी आपके म्यूजिक का नेक्स्ट ट्रैक या बैक ट्रैक या फिर आप फॉरवर्ड या बैक, वो सब इसके डायरेक्टली इसके जो कंट्रोल है उससे कर पाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल इमेज है और यहाँ एक होलोग्राम लगा है इसका ब्लू पंक का और इस तरफ यहाँ पे लिखा है इसकी जो कॉस्ट है वो है 1099 रुपये, लेकिन आपको ये करीबन ऑनलाइन स्टोर से 500 रुपये के आसपास तक मिल जाएगा, 450 रुपये के आसपास। मैं इसका एक बाइक के लिए एक लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, ये प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट किया है वो सब है यहाँ पे। तो चलिए हम बॉक्स को फटाक से ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें और हमें क्या मिलेगा। तो इसके बॉक्स में ये सबसे ऊपर हमें यहाँ पे हेडफोन ही मिल रहा है, ये छोटा सा एक शायद कुछ डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है इसको, बटन्स वगैरह कैसे काम करेंगे वो सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे। और ये है इसका एक्चुअल हेडफोन और ये इसके कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल हेडफोन और इसकी अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ये इट्स नॉट दी बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ गुड क्वालिटी, शायद ऐसे नॉर्मली नहीं टूटेगा। ये ब्रेडेड केबल नहीं है तो बहुत तेज कहते हैं शायद टूट जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, 500 रुपये की रेंज में आई थिंक दिस इज अ गुड क्वालिटी है उससे, मतलब एटलीस्ट द केबल क्वालिटी इज गुड। उसके अलावा ये है गोल्ड प्लेटेड आपका 3.5mm हेडफोन जैक। तो अब चलिए इसको हम मेरे फोन पे लगा के चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है साउंड की। मैं इसको एक बार कुछ टाइम यूज़ करता हूँ और चेक करता हूँ कैसी क्वालिटी है इसकी और फिर मैं शायद बता पाऊंगा आपको कि एक्चुअली आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो गिव मी सम टाइम और मैं वापस लौट के आऊँगा फिर बताऊंगा आपको। तो
दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक है, मतलब मैंने करीबन इसको 15-20 मिनट यूज़ किया इस हेडफोन को, और अगर मैं मतलब उसकी क्वालिटी की तो ये ठीक ठाक क्वालिटी है, इट्स नॉट दी बेस्ट क्वालिटी। आपको अगर हेडफोन में बहुत ज़्यादा बेस अगर चाहिए तो शायद ये हेडफोन पसंद ना आए आपको, लेकिन अगर आप बात करें एक एडिक्वेट हेडफोन की जहाँ पे आपको बेस भी बैलेंस मिल रहा है साथ में आपको मिड्स और ट्रबल्स वगैरह भी ठीक मिल रहे हैं तो शायद ये आप हेडफोन खरीद सकते हैं। ये डेफिनेटली बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस डिलीवर नहीं करता, बट हाँ अपनी कॉस्ट जस्टिफाई जरूर करता है, 400-500 रुपये के आसपास आपको अच्छा हेडफोन है ये, तो मेरे हिसाब से आप ये खरीद सकते हैं। इसकी क्वालिटी ठीक है म्यूजिक की, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको बतानी चाहिए कि इसकी जो बिल्ट है वो डेफिनेटली पूरी प्लास्टिक है, इसमें कुछ भी मेटल से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, और ये एक रबराइज्ड केबल है यानी वो ब्रेडेड केबल नहीं है, बट हाँ कुल मिला के दिस इज़ अ गुड थिंग, गुड पैकेज, आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर कोई सुझाव है मेरे वीडियो के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपका जो भी ओपिनियन है छोड़ के जरूर से जाइएगा। और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच।